नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ओरल म्यूकोसिल के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो म्यूकोसिल को हम ओरल म्यूकोसिल भी बोलते हैं। ये बहुत ही आम सी समस्या है हमारे होठों की, और हमारे होठों की जो अंदरूनी सतह है वहाँ पर ओवरग्रोथ हो जाता है, एक उभार हो जाता है, एक गांठ जैसी बन जाती है। एक्चुअली में जो कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ पर सूजन हो जाती है और उसके अंदर म्यूकस जमा हो जाता है। म्यूकस जमा होने के कारण, सूजन आने के कारण उसे हम म्यूकोसिल बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है दोस्तों? हमारे शरीर में बहुत सारे टिश्यूज़ हैं अलग अलग, और उन टिश्यूज़ को जोड़ने का, बीच में कनेक्शन प्रदान करने का काम करता है कनेक्टिव टिश्यू। तो ऐसे में मसल और साथ में इपिथीलियल टिश्यू के बीच में कनेक्शन, इस कंडीशन में कनेक्टिव टिश्यू प्रदान करता है और उसी में सूजन आ जाती है और अंदर म्यूकस जमा हो जाता है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूकोसिल क्या होता है। दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये होता क्यों है, इसके कॉजेस क्या हैं, उसके बाद में इसके साइन एंड सिम्टम लक्षण बताऊंगा, लास्ट में मैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो सबसे पहले कॉजेस के बारे में जानते हैं। हमारे मुंह में जो थूक है, जो सलाइवा है, वो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। दोस्तों जब सलाइवरी ग्लैंड में ट्रॉमा होता है, मतलब उसमें चोट लगती है, तो सलाइवरी डक्ट जो है वो रप्चर हो जाती है, मोस्टली पैराटाइट ग्लैंड। और जब वो रप्चर हो जाती है तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, वहाँ पर रुकावट आ जाती है। रुकावट आने के कारण म्यूकस बहुत ज़्यादा जम जाता है और एक सिस्ट बन जाता है, इसे हम म्यूकोसिल बोलते हैं। और दोस्तों कभी कभी हम अपने ओंठों को अपने दांत से चबा लेते हैं जल्दीबाजी में, इसको हम लिप बाइट बोलते हैं। ऐसे में जो कनेक्टिव टिश्यू है वो रप्चर हो जाता है और ऐसे में उसमें म्यूकस जम जाता है और जिसको हम म्यूकोसिल बोलते हैं। तो ये दो आम कारण हैं म्यूकोसिल के। तो अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स लक्षण की तरफ। तो म्यूकोसिल जो है वो बचपन में ज़्यादा होता है, 10 साल से लेकर 25 साल तक के लोगों को ये ज़्यादा होता है। मोस्टली जो है वो लोअर लिप्स में ये ज़्यादा होता है, लेकिन आपके मुंह में कहीं पर भी ये हो सकता है। इसके जो लक्षण हैं वो डिपेंड करते हैं कि म्यूकोसिल कितना बड़ा है और कितने बार आपको ये हो चुका है और कब से ये है। आमतौर पे ये जल्दी ठीक हो जाता है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन अगर ये बहुत बड़ा है और काफ़ी दिनों से है तो आपको अनकंफर्टेबल लगेगा और दर्द भी महसूस होगा। दोस्तों देखने में ये बिल्कुल रबरी होता है, बहुत मुलायम होता है, लगभग 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तक के इसका डायमीटर रहता है, हल्का सा नीला कलर का दिखता है, क्योंकि ये ऐसी जगह में है जहाँ बार बार दांत जो है इसे चबाता है, तो आपको दर्द भी कभी कभी बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो दोस्तों ये थे इसके लक्षण। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है म्यूकोसिल के लिए थूजा ऑक्सीडेंटलिस। दोस्तों कहीं पर भी ओवरग्रोथ होता है, थूजा उस ओवरग्रोथ को ठीक करती है, और जो कनेक्टिव टिश्यू का इस कंडीशन में ओवरग्रोथ है जो म्यूकस के कारण है उसे ये कम करती है और धीरे धीरे पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। तो म्यूकोसिल में थूजा आप 200 पोटेंसी में यूज़ करें, 2 बूंद रात में लीजिए। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। मान लीजिए मेरे हाथ में थूजा 200 है, 2 बूंद रात में पीना है। दोस्तों दूसरी मेडिसिन है एसिड नाइट्रिक 200। दोस्तों एसिड नाइट्रिक म्यूकोसिल के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये म्यूकस के जो सिक्रीशन है उसको थोड़ा सा कम करती है, जिसके कारण जो सिस्ट है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है, और कनेक्टिव टिश्यू के स्वेलिंग को भी ठीक करती है, और जो सलाइवरी ग्लैंड में रप्चर हुआ है उसे भी ये ठीक करती है। एसिड नाइट्रिक 200 पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में आप 2 बूंद सुबह सुबह इसे पी लीजिए। तीसरी मेडिसिन है आर्निका, और आर्निका भी आप 200 पोटेंसी में म्यूकोसिल में यूज़ करें। मोस्टली जो है वो हमारी लिप्स जो है वो दांत से दब जाती हैं, दबने के कारण चोट लग जाती है, जिसके कारण म्यूकोसिल हो जाता है। और कहीं पर भी अगर आपको चोट लगी हो और चोट लगने के कारण वहाँ पर सूजन हो, नीला पड़ा हो और हल्का सा म्यूकस भी हो, तो आर्निका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। सूजन को कम करती है, जो नीलापन है उसको कम करती है, और ये म्यूकोसिल को ठीक करने में बहुत मददगार मेडिसिन है। आर्निका आप 200 पोटेंसी में 2 बूंद पिएं और दोपहर में पिएं, डायरेक्टली टंग में 2 बूंद दोपहर में पिएं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लास्ट में एक मेडिसिन कैल्केरिया फ्लोर। दोस्तों कैल्केरिया फ्लोर ओवरग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये
कहीं पर भी ट्यूमर हो, सिस्ट हो, आप ज़रूर कैल्केरिया फ्लोर यूज़ करें। म्यूकोसिल की कंडीशन में कैल्केरिया फ्लोर आप 6x पोटेंसी में यूज़ करें। मैं यहाँ पर पिक्चर लगाता हूँ, आप अच्छे से देखिए। म्यूकोसिल में कैल्केरिया फ्लोर 6x आप 6 गोली सुबह सुबह चूसें, 6 गोली दोपहर में चूसें और 6 गोली रात में। तो ढक्कन में 6 गोली डालें, मुँह में डाल के चूसना है, सुबह एक बार, दोपहर में एक बार, रात में एक बार। जो आप मेडिसिन ले रहे हैं आर्निका, थूजा और ऐसे नाइट्रिक, तीनों में और कैल्केरिया फ्लोर में कम से कम आप आधे घंटे का गैप ज़रूर दें। तो आप 200 दो बूंद रात में पीजिए, उसके आधे घंटे बाद कैल्केरिया फ्लोर ले लीजिए 6x पोटेंसी में। ऐसे ही आप एसिड नाइट्रिक 200 दो बूंद सुबह सुबह पीजिए, कैल्केरिया फ्लोर आधे घंटे बाद ले लीजिए 6x पोटेंसी में 6 गोली। और ऐसे ही आप आर्निका 200 पोटेंसी में दो बूंद दोपहर में पीजिए और कैल्केरिया फ्लोर 6x आधे घंटे बाद लीजिए। ये मेडिसिन आप लगभग 15 दिन तक लेंगे, म्यूकोसिल ठीक हो जाएगा। अगर बहुत दिनों से है तो कम से कम 1 से 1.5 महीने तक ये मेडिसिन लीजिएगा ठीक होने के बाद भी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दे गया तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर सब्सक्राइब का बटन दे गया तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड वीडियोज लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। तो उससे नीचे एक शेयर की बटन देखिए, अपने फेसबुक व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन है मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।